हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को लेके कुछ गैसेस जो रिलीज़ होती हैं उन गैसेस को किस तरह से चेक किया जाता है किस तरह से हम उन गैसेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पर हम दो एक्टिविटीज़ को लेके चल रहे हैं फर्स्ट एक्टिविटी है रिलीज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड द सेकेंड इज़ चेक द रिलीज़ ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इन दोनों ही गैसेस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट प्रोसीजर यहां पर फॉलो करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ दीज गैसेस तो जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने चूज की दैट इज फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस तो सबसे पहले उसके सेटअप की हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से सेटअप है यहां पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो दिया गया वी हैव अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड टेस्ट ट्यूब अ डिलीवरी ट्यूब अ वेल फुल ऑफ सॉप वॉटर यहाँ जो हमने टेस्ट ट्यूब चूज किया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लिया साथ ही साथ हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया जिंक ग्रेनुल्स ग्रेन्युल्स का मीनिंग यहाँ पर है कि हमने जिंक को स्मॉल पीसेज के अंदर लिया है क्योंकि स्मॉल पीसीज में लेने से जो जिंक होगा उसका एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा और वो काफ़ी अच्छी तरह से एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा तो जैसे ही यहाँ पर जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करता है तो जो सेकंड बीकर हम यहाँ देख रहे हैं उस बीकर के अंदर हमें कुछ बबल्स ऑब्जर्व होते दिखाई देंगे कुछ बबल्स वहाँ से प्रोड्यूस होंगे और ये बबल्स हमें बताते हैं कि जो जिंक है जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो यहाँ से बबल फॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है दैट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर हाइड्रोजन वाटर के अंदर सोल्यूबलिटी शो नहीं करता इसीलिए वो बबल फॉर्म में वाटर से बाहर आएगा और ये चेक करने के लिए कि जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन ही है हम एक बर्निंग कैंडल यहाँ पर यूज़ करते हैं तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बर्निंग कैंडल के कंटेक्ट में आता है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है ठीक है विल प्रोड्यूस पॉप साउंड तो अगर पॉप साउंड वहां से प्रोड्यूस होता है तो ये हमें बताता है कि जो गैस है दैट इज हाइड्रोजन गैस उसको बड़ा इजीली हम वहां से चेक कर सकते हैं उस, उसके साथ कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी हैं हमारे पास जैसे जिंक एच के साथ जितना ज़्यादा रिएक्ट करता चला जाएगा अगर हम इस वेसल को टच करके देखते हैं तो ये हमें हॉट मिलता है ठीक है गर्म हो जाता है वेसल, तो इसका गर्म हो जाने का इस ट्यूब के गर्म हो जाने का रीज़न है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर तो इस एक्टिविटी के बेसिस पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने यहाँ पर किया जो रिएक्शन हम यहाँ प्रोसीड करा रहे हैं जिंक ग्रैन्युल्स में और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस उसके बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशन्स हमारे पास हैं उन ऑब्जर्वेशन्स की हम यहाँ पर बात करते हैं सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर अभी हमने कहा कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा जिंक डाइड्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होता है लेकिन जो टेस्ट ट्यूब है वो जब हम उसको टच करके देखते हैं तो वो हॉट हो जाती है बॉटम से इसका मतलब है वहां पर जो हीट है वो रिलीज हो रही है एंड द रिलीज ऑफ हीट एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेकेंड अगर बात करें हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर द वाटर बिल्कुल है जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी तो अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब का यूज करें डिलीवरी ट्यूब के साथ तो वहां पर हाइड्रोजन गैस तो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होता चला जाता है जबकि वाटर वहां पर नीचे की तरफ जाता है एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर तो कई बार हम इस प्रोसेस के लिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी वर्ड यूज कर लेते हैं अब जो हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस इज अ कंबस्टिबल गैस ठीक है हाइड्रोजन गैस क्या करती है जलती है बर्न हो जाती है हाइड्रोजन गैस एंड वेन हाइड्रोजन गैस बर्न इट प्रोड्यूस्ड पॉप साउंड ठीक है तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इस एक्टिविटी को लेके तो अगर हम सी बी एस ई एग्जामिनेशन की बात करें वहां पर किस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं तो अगर इस एक्टिविटी से पर्टिकुलरली रिलेटेड हम बात करें तो हमें ये पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं कि रिएक्शन जो है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर हाइड्रोजन जो है वो इनसोलिबल है वाटर के अंदर सो इट विल कलेक्टेड ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन इज अ कम्बस्टिबल गैस एंड इट बर्न विद अ पॉप साउंड तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने होंगे ठीक है तो हाइड्रोजन गैस को हम इजीली चेक कर सकते हैं विद अ बर्निंग स्टिक या बर्निंग कैंडल के साथ में इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकेंड एक्टिविटी को लेके और जो सेकेंड एक्टिविटी है हमारी दैट इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरह से चेक करें तो इस एक्टिविटी को कराने के लिए हमने दो टेस्ट ट्यूब का यहाँ पर यूज़ किया एक डिलीवरी ट्यूब हमने यहाँ पर लिए दिस इज़ डिलीवरी ट्यूब ये दो टेस्ट ट्यूब हमने लिए हैं एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने यहाँ पर यूज़ किया जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब जो हमने ली है उसके अंदर हमने लाइम वाटर का यूज किया है तो सोडियम कार्बोनेट जैसे ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा अपियरेंस ऑफ ब्रिस्क एफरवेस ठीक है वहां से ब्रिस्क एफरवे प्रोड्यूस होती है एक तरह से ब्रिस्क एफरवेस जो अगर कोई जनरल एग्जाम्पल हमने लेना है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इनो का जिस तरह से इनो को जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो कुछ बबल्स के साथ कुछ गैसेस बिल्कुल बाहर की तरफ आती हैं वो इस तरह से इनो बाहर की तरफ मूव करता है जैसे गिलास से बाहर ही आ जाएगा तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है जब सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो ब्रिस कैफरवेसेंस वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं वो इस टेस्ट ट्यूब से सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जाएंगी जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर को लिया है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के कांटेक्ट में आती है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वो मिल्की हो जाता है तो अगर मिल्की हो गया इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया लेकिन अगर यहाँ पर लाइम वाटर किसी टाइप का मिल्कीनेस शो नहीं करता इट मीन्स कि जो गैस है दैट इज़ नॉट अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है इस तरह से हम इस एक्टिविटीज़ को करते हैं इस तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करते हैं यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन से समझने के लिए आ, कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दे रखी हैं रिएक्शन हमने दे रखी है लाइम वाटर के लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं इट इज सी एच टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला गया जिसे सो वी हैव एक्वस्ट सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है वेन वी विल पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की मिल्की हो जाता है या ये कह दो कि मिल्कीनेस किसकी वजह से इट इज़ बिकॉज ऑफ़ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें द मिल्कीनेस इज़ बिकॉज ऑफ़ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ इन सोल्यूबल इन वाटर तो वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है इसीलिए वो वहाँ पर हमें मिल्कीनेस शो करता है ठीक है तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि मिल्किनेस किस वजह से आती है तो जो तो मिल्किनेस आती है दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो यहां कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ पॉइंट्स हमने लिखे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कलरलेस एंड अडोरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ना तो कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होती है इट प्रोड्यूस ब्रिस्कैफेंस कई बार जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलती हैं लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ तो ब्रिस्क एफरवेसेंस होंगी लेकिन थोड़ा कम होती हैं लाइम वाटर की जहाँ तक बात करें लाइम वाटर बिल्कुल एक कलरलेस सोल्यूशन है बट वैन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू इट द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ मिल्की और उसको अभी हमने स्टडी किया कि मिल्कीनेस किस वजह से आती है सो मिल्कीनेस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो इस तरह से हमें इन एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना इस तरह से इस सारे के सारे पोर्शन को हमने कंप्लीट करना है या जो भी एक्टिविटीज़ हमारी बुक्स के अंदर हमें दी होती हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि काफ़ी सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो सीबीएसई का भी पैटर्न हो गया पैटर्न चेंज जो उसने कर दिया तो ज़्यादातर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो चांसेस होते हैं कि एक्टिविटीज़ से ही हमसे पूछे जाएँ ओके स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना इन ऑब्जर्वेशंस का अच्छी तरह से ध्यान रखना और अपने टॉपिक का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना ओके स्टूडेंट्स थैंक यू